वैसे अद्भुत था ये देखना कि यहाँ भगवान ब्रह्मा का एक ऐसा मंदिर था जहाँ उनकी पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार पूरे संसार में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मुख्य मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है, लेकिन बिठूर में ब्रह्मा जी का ये दूसरा मंदिर मिला। और दो ही पूजा होती है ब्रह्मा जी की, केवल पुष्कर में मूर्ति की पूजा, और मूर्ति पूजा का भी निषेध हो गया क्योंकि जब सृष्टि उत्पत्ति चल रही थी तो ब्रह्मा जी ने अपने तपोयोग से नासिका के अग्रभाग से सरस्वती जी को उत्पन्न किया। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, ना कि पत्नी, लेकिन इसी कारण से जब उनके अंदर वासना जागृत हुई तो उनको ये श्राप लगा, तो मूर्ति पूजा भी निषेध हो गई। अब सृष्टि में एक ही स्थान बचा और वो है हमारा ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र। ये भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आराधना के साथ विश्व के प्रथम शिवलिंग की स्थापना की जो आज भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता हैं, लेकिन यहाँ पर घाट पर इस मंदिर को देखिए जहाँ पर कहते हैं कि इस शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने स्वयं स्थापित किया था। इसे ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। ब्रह्मा जी जब यहाँ से चलने लगे मानव उत्पत्ति के बाद, तो कहते हैं कि यज्ञ तभी संपूर्ण होता है कि जब ब्रह्मा जी यहाँ जब चलने लगे तो यज्ञ तभी संपूर्ण हुआ जब शिवलिंग की स्थापना की, जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से ब्रह्मेश्वर महादेव बालू की स्थापना की, तभी यज्ञ संपूर्ण हुआ उनका, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। काफी प्राचीन प्रतिमा है ये। पंडित जी, ये शिवलिंग का आकार ऐसा अलग सा क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना है तो यहाँ पे यज्ञ किया है, इस पे बालू की शिवलिंग बनाई थी ब्रह्मा जी ने। हाँ। मनुष्य की सृष्टि रचना है तो पहले शंकर जी की पूजा हुई फिर उन्होंने यज्ञ किया है। देखिए उस पार में जहाँ पर ब्रह्मा जी ने 99 यज्ञ किए थे, जहाँ पर बैठकर कहा जाता है कि उन्होंने सृष्टि की रचना की, उस घाट को हमने छोड़ा है और अब हम दूसरी घाट की ओर जा रहे हैं। उस घाट को अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको कोई निर्माण नजर नहीं आएगा। दरअसल सालों के साथ, साल ही नहीं हजारों साल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सदियों सदियों की बात कर रहे हैं, कोई भी अगर नदी होती है तो वो अपना जो कोर्स है, अपना जो रास्ता है, उसे बदलती है क्योंकि भौगोलिक बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो तमाम अध्ययन के अनुसार गंगा जी ने भी अपना जो कोर्स है वो बदला है। पहले इस क्षेत्र में नहीं बहा करती थी, पहले उनका क्षेत्र थोड़ा सा और हटकर यहाँ पर था, और इसीलिए वाल्मीकि आश्रम का जो एक क्षेत्र आप इस छोर पर देखते हैं, दरअसल मान्यता ये भी है कि वो इसी क्षेत्र में था और यहीं पर वो जगह है, इसी घाट पर वो जगह है जहां सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी के साथ मान्यता ये भी जुड़ जाती है कि यहीं कहीं वो जगह भी है जहां पृथ्वी से पाताल तक जाने का रास्ता हो जाता है। अब देखिए इसका अलग अलग पर्याय हो सकता है, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। कई चीजें शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कह दी गई जिन्हें शायद समय के साथ उनके अनुवाद के कारण आप उस हिसाब से नहीं समझ पाए, या फिर मतलब उसका कुछ और था। तो हम इसीलिए यहाँ पर आकर इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कहा गया है उसमें से जो बातें, जो सीख, जो सच्चाई, जो इतिहास हम समझ सकते हैं वो क्या हो सकता है।